अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आए हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ना, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोग व्लॉग को बिना स्किप किए अच्छे से वॉच कीजिए, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू, और क्या क्या होने वाला है वो देखते हैं। ये हो गई अनायसा की मैगी रेडी, सिंपल मैगी है ना अनायसा, यम्मी यम्मी वाली बॉइल्ड मैगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दी हूँ, ज़्यादा ऑयल डालना नहीं है जी। वो ये मसाले के पैकेट कट कर दूँगा पूरे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे इसमें। और चीज़ वगैरह देते हैं, सोया सॉस वगैरह। इसको हम नए तरीके का राय वाला पास्ता बनाते हैं यार, राय करके देखिए जैसा। गुड़िया पी, यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है। तेल में हम डालेंगे कसूरी प्याज, एकदम बारीक कट करें इसको एकदम से, और इसको हल्का सा फ्राई कर देंगे। और इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे, क्योंकि नहीं है वैसे तो मसाले में नमक है हमारे, ये जो मसाले पास्ता का उसमें भी है, जो चटनियाँ हैं उसमें है, लेकिन फिर भी इसके सब्जियों के हिसाब से नमक ऐड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने कर दिए नमक ऐड, और नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी काली मिर्च चाहिए बाद में डालेंगे, काली मिर्च अभी नहीं डालते। तो जैसे कि यहाँ पर नीचे एक साइड में तो पास्ता होने लगा है, और दूसरे साइड में मतलब पास्ता बॉईल करने को रखी थी, और एक साइड में नीचे मैंने बघार लगा दी थी, क्योंकि नीचे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। जब सभ्यन होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा खा कर के होता है, वरना अकेले रहो तो हमारा टाइमिंग जो रहता है ना वो बिल्कुल फिक्स रहता है, इस टाइम पर ये करना है, उस टाइम पर वो करना है, और भूख भी लगी रही तो हम लोग थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन सबके साथ होते हैं ना तो ज़्यादा खाया जाता है। कट करे हुए टमाटर है, हरी मिर्च है, और लहसुन है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये और ही क्या, वो अजवाइन के जो पत्ते होते हैं ना, वो अगर इस्तेमाल होता है तेज रहता है, ये ऐसा होगा। इसमें ये भी ऐड, इसको हल्का सा भूनने के बाद में हम डालेंगे इसमें पास्ता, मतलब सारे मसाले। अभी तो थोड़ा सा पकने देते हैं। तो घर पर आए हुए थे मेहमान, तो मेहमान आए हैं और नाश्ता वगैरह ना बने ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पता है क्या, अगर हम खुद के लिए नहीं करते लेकिन जब मेहमान आए हुए होते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि हमें ये बनाना है वो बनाना है। अरे मेहमानों के बराबर हमें भी खुद भी खाने मिल जाता, वरना अकेले के लिए कहाँ, इतना तो मुझे बहुत जान पर आता है अकेले के लिए सब कुछ करने के लिए। हाँ कोई मेहमान आए तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ, और आजकल वैसा भी इतना बिजी शेड्यूल चल रहा होता है ना हर किसी का, मतलब ये हो गया है कि किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। ज़िंदगी इतनी रफ्तार से गुजरते जा रही है, कभी कभी लगता है कि यार हमारे पास कितना वक्त है और कितना नहीं, हम नहीं जानते हम कितने दिन जीने वाले हैं, कब हमारे ज़िंदगी में क्या लिखा है, हम कुछ भी नहीं जानते। तो अल्लाह पाक ने जितनी ज़िंदगी दिए है ना, उसको खुल करके हंस करके दूसरों के साथ अच्छे रह के हमें जीना चाहिए। जो टाइम है वो अपने फैमिली को दो, अपने घर वालों को दो, और उसके बाद में नहीं कि आप खुद के लिए भी टाइम निकालो, कि ऐसा पछतावा ना रहे आपको कि हमने खुद के लिए क्या किए। खुद के लिए भी तो कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है ना, खुद की हमारी खुद की लाइफ है, तो हमें खुद के बारे में भी कभी कभी सोचना चाहिए। फैमिली के बारे में तो हम सोचते हैं, घर है, बच्चे है, हस्बैंड है, इन सब के बारे में हम सोचते ही है, लेकिन खुद के लिए भी कुछ हमें वक्त निकालना चाहिए। और निकिया जैसा बहुत सारे लोगों की क्या आदत रहती, इसकी गॉसिप करना, उसकी गॉसिप करना, उसके बगैर उनको निकिया खाना हजम नहीं होता, ये सारी आदतें यार छोड़ दो बहुत, क्योंकि पता है कि आजकल का जो ज़माना है ना, किसी के पास इतना वक्त नहीं रहा, इसके घर जाना है, उसके घर जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे। एक पहले का दौर हुआ करता था जब गर्मी हो या दिवाली की छुट्टियाँ हो, लोग एक दूसरे के घर में जा करके काफ़ी दिन रहा करते थे, मोबाइल का ज़माने नहीं था, संडे आता था तो संडे के दिन अगर हमारी फैमिली भी होती थी ना, हम उनके साथ बैठ करके टीवी
टीवी देखते थे, मार्केट आता था, साथ में सब लोग बैठे रहना, ये सारा चलता था। लेकिन आजकल जब मोबाइल का ज़माना आ गया है तो किसी भी के पास में टाइम नहीं आ, और ऊपर से इतना बिजी शेड्यूल हो गया है ना हर किसी का, हर कोई अपने काम में बहुत ज़्यादा मशरूफ़ है, तो उसके वजह से किसी के लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं होता। और थोड़ा बहुत वक्त है यार तो वो खुद के लिए जीना चाहिए, तो लोग ना वो गॉसिप में लगा देते, इसकी बुराई उसकी बुराई करने में लगा देते हैं। तो वक्त नहीं आ, ज़िंदगी बहुत कम है, इसको खुल करके जियो। दूसरों की बुराई करने से अच्छा अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि आप ये सोचते हो कि आपके अंदर कुछ बुराई नहीं है, तो हर इंसान के अंदर, मेरे अंदर भी बुराई है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे अंदर नहीं है, हर किसी के अंदर बुराई होती, तो उस बुराई को हमने ख़त्म करना चाहिए, ना कि किसी की बुराइयों के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। तो ये रियलिटी है दुनिया की। लेकिन मेरा ऐसा रहता है कि चलो अपने काम करो, मैं अपने काम में ज़्यादातर बिज़ी रहती हूँ, और अगर हम काम में अपने ध्यान को लगा के रखेंगे तो हमारे दिमाग में फिजूल के नहीं क्या फितूर नहीं घूमेंगे। जाहिर सी बात है, सारे काम करते करते आपने क्या अपने घर के काम करो, नमाज़ें पढ़ो, आपको एक सुकून लगेगा, बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होगा, ना कि आप कुछ और करते बैठोगे तो उसमें आपको कहाँ से सुकून मिलने वाला है। तो ये सारी बातें ये ज़िंदगी की में बहुत काम आती है कभी कभी, नहीं क्या। तो एक वो होता है ना कि हाँ, जो मतलब हमको जितना मिला है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, हमेशा आपको ज़िंदगी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, तो एक ही बार मिली है तो एक ही बार है अपनी लाइफ, तो एक ही बार को खुल करके जियो, दूसरों के लिए जियो, अपने लिए जियो, और ज़िंदगी में मस्त रहो, खुश रहो, खाओ पियो और मस्त इंजॉय करो। जैसे कि अब हम जा रहे हैं इंजॉय करने के लिए चाइनीज़ खाने के लिए। अभी हमारी प्लेट आने को है ना, प्लेट आने को, आना 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 आना, क्या खाने वाली है ना? तू कुछ चाइनीज की सीख दे रहा, भाई तो बोलता तेरे को चाइनीज छोटी सी लगती है, कमर में दर्द होता है उससे कौन से लोगों को। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं अभी पूरी फैमिली के साथ में, फैमिली सारी फैमिली से पार्टी तो सब खा रहे हैं नूडल्स, और मैंने राइस के नूडल्स मेरे को उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, तो इस वजह से मैंने राइस ऑर्डर कर लिया और इन लोगों ने मंचूरियन नूडल्स ऑर्डर किए। तो अभी फिलहाल हमारा ऑर्डर बन रहा है, बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा आ चुका है चिकन राइस, इन लोगों के आ चुके हैं नूडल्स, साथ ही पत्ता गोभी और क्या क्या सब लोग खाए, हाँ कभी खाए। तो यहाँ पर सबका ऑर्डर आ चुका है, ये है नूडल्स। हम लोग तो गोला खाने के लिए आए थे, गोला खाने के लिए वहाँ रुके हैं, और बाकी के ये लोग है ना, तो ये लोग अभी पीछे रह गए, तो इन लोगों के लिए मैं रुकी हुई हूँ यहाँ पर, पता नहीं कब आते थे ये लोग, क्योंकि ट्रॉफिक बहुत है आज, नहीं क्या ट्रॉफिक इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है, उस वजह से कैसा है यहाँ पर बौद्ध विहार है ना, तो उस वजह से यहाँ पर होती है पब्लिक ज़्यादा। अभी तो भाभी और अनायसा खाने लगी वहाँ गोला, और मैंने नहीं ली हूँ गोला, मैंने ली हूँ मेरा हमेशा का वो जो रहता है कोल्ड ड्रिंक सोडे वाले भैया के पास से, वो ही ली, और अभी ये लोगों का वेट कर रही हूँ कि आने को रह गए। पीछे में है मेरा बाजार, अरे मेरा फुग्गा नहीं, आना का फुग्गा, हाँ ये आना का फुग्गा है यहाँ पर। और हम लोग अभी मीना बाजार में गए नहीं, मतलब मेला जो आया है हम उसमें भी गए नहीं, यहाँ बाद में जाएंगे, क्योंकि अभी हम जस्ट आइस गोला खाने के लिए गए थे, वहाँ पर ऐसा हो गया कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो उस वजह से हम लोग फिर निकल, फटाफट से खा पी करके निकल के आ गए घर में। आधे लोग चले गए हैं, हम दोनों यहाँ रह गए हैं, मतलब ज़्यादा दूर यहाँ वो है पास में यहाँ, और हम लोग यहाँ हैं, अब जाते हैं मम्मी के घर।